नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीए न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। पीएम मोदी ने बुधवार को वाराणसी की बड़ी आबादी को पेयजल योजना की सौगात दे दी। कई शहरों की परियोजनाओं में शामिल काशी की 267 करोड़ रुपए की पेयजल योजना का वर्चुअली शिलान्यास किया। काशी वासियों को 171 करोड़ रुपए के ट्रांस वरुणा क्षेत्र के 9 विस्तारित क्षेत्रों में जल आपूर्ति योजना दी। वहीं 96 करोड़ के 9 विस्तारित क्षेत्र सूजाबाद में सीवर हाउस कनेक्शन और अन्य बुनियादी कामों का शिलान्यास किया। वाराणसी से मेयर अशोक तिवारी दिल्ली में कार्यक्रम में शामिल हुए। जलकल परिसर भेलूपुर में सुबह 10 बजे जनप्रतिनिधियों के अलावा अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि पीएम मोदी 20 अक्टूबर को काशी के 2 दिवसीय दौरे पर आ सकते हैं, जिसमें 1000 करोड़ से अधिक की योजनाएं बनारस को मिलेगी। पीएम के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन अमला सक्रिय हो गया है। इसे बदलते हुए इस समय में आज हमें स्वच्छता से जुड़ी चुनौतियों को भी जानना जरूरी है। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, शहरीकरण बढ़ेगा, वेस्ट जनरेशन की संभावनाएं भी बढ़ेगी, कूड़ा कचरा ज्यादा निकलेगा और आजकल जो इकोनॉमी का एक मॉडल है यूज एंड थ्रो, वो भी एक कारण बनने वाला है। नए नए प्रकार के कूड़े कचरे आने वाले, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आने वाला है। इसलिए हमें फ्यूचर की अपनी स्ट्रेटेजी को और बेहतर करना है। हमें आने वाले समय में कंस्ट्रक्शन में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी जिससे रिसाइकल के लिए सामान का ज्यादा उपयोग हो सके। हमारी जो कॉलोनियां है, हमारे जो हाउसिंग है, कॉम्प्लेक्सेस है, उनको हमें ऐसे डिजाइन करना होगा कि कम से कम जीरो की तरफ हम कैसे पहुंचे। हम जीरो कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अंतर बचे जीरो से। हमारा प्रयास होना चाहिए कि पानी का दुरुपयोग ना हो और वेस्ट पानी को ट्रीट करके इस्तेमाल करने के तरीके सहज बनने चाहिए। हमारे सामने नमामि गंगे अभियान का एक मॉडल है। इसके कारण आज गंगा जी कहीं अधिक साफ हुई है। अमृत मिशन और अमृत सरोवर अभियान से भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। ये सरकार और जनभागीदारी से परिवर्तन लाने के बहुत बड़े मॉडल है। लेकिन मैं मानता हूं सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। वाटर कंजर्वेशन, वाटर ट्रीटमेंट और नदियों की साफ सफाई के लिए भी हमें निरंतर नई टेक्नोलॉजी पर निवेश करना है। हम सब जानते हैं कि स्वच्छता का कितना बड़ा संबंध टूरिज्म से है और इसलिए अपने पर्यटक स्थलों, अपने आस्था के पवित्र स्थानों, हमारी धरोहरों को भी हमें साफ सुथरा रखना है।